हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। यह 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप है। लगभग 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से यह ढका हुआ है। यह विश्व का सबसे ठंडा तथा शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। इसको एक तरह से रेगिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष वर्षा का 8 इंच है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1,000 से 5,000 लोग विभिन्न रिसर्च सेंटर में रिसर्च के उद्देश्य से आते जाते रहते हैं। यहाँ कई देशों के रिसर्च सेंटर फैले हुए हैं। यहाँ पर सर्दी में पाए जाने वाले पौधे और जीव ही पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन यहाँ पर मुख्यतः पाया जाता है, सील, निमेटोड, टैडीग्रेड, पेसू और विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल है। इस महाद्वीप से पूरी दुनिया का परिचय कराने वाले 1820 में मिखाइल पेट्रोविच और कैबियन गाटालियेव वान लेलिंग सोसेन को जाता है। रूसी अभियान से जुड़े इसका अंटार्कटिका का नाम प्रयोग में आया था। सबसे पहले 1890 में जॉन जॉर्ज बार्थोल्यूम्स ने किया था। अंटार्कटिका में भारतीय दल जनवरी 1982 में उतरा और तब से भारत ध्रुवीय विज्ञान में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। अंटार्कटिका में आधुनिक रिसर्च में कुछ बैक्टीरिया का पता लगाया गया है। यहाँ अब तक पता लगाई गई 240 प्रजातियों में से 30 भारत की हैं। मजा आया न जानकर। 2008 से 2011 के बीच 12 नई बैक्टीरिया का पता लगाया गया था। 2 जीन्स का भी पता लगाया गया था जो निम्न तापमान दर पर बैक्टीरिया को जिंदा रखने में सहायक होते हैं। भारत लर्सजन पर्वतीय क्षेत्र में रिसर्च पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। 21 जुलाई 1983 को 89.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। यहाँ अकेला पहुँचने वाला न्यूजीलैंड का व्यक्ति डेविड हेनरी लुइस था, जिसने यहाँ पहुँचने के लिए 10 मीटर लंबी इस्पात की छोटी नाव का प्रयोग किया था, जिसको आइसबर्ड नाम दिया गया था। शोध में पता चला है कि अंटार्कटिका में नीचे बर्फ की गहराई में एक पुरानी झील है और अनुमान है कि यह इलाका धरती को बर्फ में जमने से बचा रहा है, इसलिए इसमें लगातार शोध की आवश्यकता है। 3 किलोमीटर जाकर नीचे झील से पानी और रेत के नमूने लिए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ अंटार्कटिका के नीचे अंधेरे माहौल में नए किस्म के जीव पनप रहे हैं। वहाँ का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यहाँ यूनिसेलुलर जीवों के पाए जाने की संभावना है, जिससे हमें जीवन की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन यह इलाका हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ पहले गर्म रेगिस्तान था और खजूर के पेड़ पाए जाते थे। यहाँ कोई टाइम जोन नहीं है। न्यूजीलैंड के अलावा यहाँ भी सांप नहीं पाए जाते। एमेलियो प्लामा नामक आदमी यहाँ सबसे पहले जन्म लिया था। 7 जनवरी 1978 को इसका जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ का जन्म लेने का कारण इसका अर्जेंटीना द्वारा खुद को एक हिस्सा बनाने का प्रयास था।
जिसके तहत उसने एक गर्भवती महिला को यहाँ भेजकर और यहाँ पे बच्चे को जन्म दिलवाया था। यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च लगातार जारी है और उम्मीद है कि यहाँ नए नए राज खुलते रहेंगे। तो दोस्तों, मज़ा आया? नहीं आया? ओ सॉरी, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लो, अब की बार आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।